बिग ब्रेकिंग में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी के गुना जिला उपाध्यक्ष हिरेंद्र सिंह के खिलाफ गुना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर 30 दिसंबर की रात पार्टी के ही नेता आरएन यादव के घर जाकर उन्हें धमकाने का आरोप है। इस घटना को लेकर आरएन यादव ने यादव समाज के साथ गुना एसपी को ज्ञापन सौंपा था। बताया जा रहा है कि मामले की जांच के बाद एसपी के आदेश पर हिरेंद्र सिंह सहित 5 लोगों पर कई धाराओं में गुना कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज। 30 दिसंबर की रात का यह पूरा मामला है जब धमकाए जाने की बात सामने आई थी और इसके चलते बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर और सहित 5 अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जैसे पार्टी की छवि खराब हो रही है, ऐसे तत्काल इस पर कार्रवाई पार्टी की तरफ से भी होना चाहिए। और मुझे लगता है सभी समाजों से मैं तो प्रार्थना करता हूं, यादव समाज के साथ साथ के सभी समाज इकट्ठे होकर इस तरह के आताताई और उपदंडी ऐसे लोगों को पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग सब 24 तारीख को एकत्रित होंगे गुना के अंदर और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अगर प्रशासन नहीं चेतेगा तो चेताने की व्यवस्था हम जानते हैं कैसे। सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के गुना जिला उपाध्यक्ष हिरेंद्र सिंह के खिलाफ गुना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर 30 दिसंबर की रात पार्टी के ही नेता आर एन यादव के घर जाकर उन्हें धमकाने का आरोप है और इस घटना को लेकर आर एन यादव ने यादव समाज के साथ गुना एसपी को ज्ञापन सौंपा था। बताया यह भी जा रहा है कि मामले की जांच के बाद एसपी के आदेश पर हिरेंद्र सिंह सहित 5 लोगों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो जो बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं इनके साथ 5 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। तो पार्टी के नेता पर ही धमकाने के आरोप लगे हैं और ये पूरा विवाद क्या है, ये पूरा मामला जांच का विषय है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये पूरा वाकया क्या है, विवाद क्या है पूरा जिसके चलते धमकाया गया? देखिए, ये कहीं ना कहीं चुनाव का से जुड़ा हुआ मसला है और ये 30 दिसंबर की रात की घटना है, काफ़ी पुरानी घटना है। आज करीब इसको 18 दिन होने का है, लेकिन जब उस समय ये स्थिति बनी थी कि जो हिरेंद्र सिंह हैं जो बंटी बना वहाँ जिला उपाध्यक्ष और ये राधोगढ़ से चुनाव भी लड़े थे, जो जयवर्धन सिंह है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे उनके खिलाफ, तो वहाँ पर ये मामला था कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर इन आपसी इन भाजपा के नेताओं के बीच एक रंजिश जैसी बात सामने आई है और उसमें जो कांग्रेस जो भाजपा के नेता है जो आरएन यादव वो उनको धमकाने का उनके घर जाकर धमकाने का मामला है, तो उसमें बना जब चुनाव में हार गए उसके बाद बताते हैं कि वहाँ पर जाके उन्होंने घर पर जाकर उन्हें धमकाया था जो यादव को, और उसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद इनके खिलाफ करीब एसपी ने जाँच के 18 दिन बाद एफआईआर के निर्देश दिए और उसके बाद 5 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब ये पूरा मामला प्रदेश संगठन की भी जानकारी में आया है क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेता हैं, आरएन यादव भी भाजपा के अच्छे पुराने नेता है, गुना से जुड़े हुए हैं, वैसे ही राधोगढ़ के जो हिरेंद्र सिंह ये बना है ये भी पुराने नेता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अब संगठन ने भी गंभीरता से लिया है और दो नेताओं को यहाँ बुलाकर समझाइश देने का भी काम किया जाएगा। लेकिन अभी एफआईआर हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये पाया गया है कि इसमें जो गलती है वो हिरेंद्र सिंह की थी कि उन्होंने घर जाकर धमकाया, इसके बाद यादव समाज एकजुट हुआ, यादव समाज के सारे प्रतिनिधि बाकायदा एसपी के पास पूछे थे, पुलिस में शिकायत भी की थी कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, तो ये चुनावी रंजिश का मामला है। अब ये किस तरह का राजनीतिक रंग पकड़ेगा, क्या तूल पकड़ेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। आज बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये देखना